तो दोस्तों एक बार फिर वही अंजाम। बैटर्स ने बड़ा स्कोर बनाया और बॉलर्स ने दिल खोल कर रन लुटाए। इंडिया 300 से ज्यादा रन बनाने के बावजूद बिना किसी कड़े मुकाबले के मैच हार गए। वैसे कल के लिए तो ये भी कह सकते हैं कि इंडियन बैटिंग लाइनअप ने अच्छी शुरुआत और पिच सपाट होने के बावजूद 50 से 70 रन कम बनाए। अब सवाल ये है कि फिर ऐसा क्यों हुआ, क्या मिडिल ऑर्डर फिर कमजोर रहा? तो इन दोनों सवालों के जवाब बड़े बड़े अक्षरों में हाँ है, क्योंकि कल के मिडिल ऑर्डर में स्काई, सुंदर, सैमसन और पंत थे। इसलिए आप कह सकते हो कि रिकॉर्ड आगे जाकर बैटर हो जाएगा, मगर इन नामों में जिस एक नाम पर निगाह ठहरती है वो है ऋषभ पंत, क्योंकि ऋषभ को वनडे वर्ल्ड कप के लिए इंडियन बैटिंग लाइनअप की रीढ़ माना जा रहा है। उनसे सदी हुई इनिंग को एक्सेलरेट करने की उम्मीद है और लड़खड़ाई हुई इनिंग को संभालने की चाह, मगर ऋषभ बीते कुछ महीनों से उस रंग में नजर नहीं आ रहे हैं। एक अलग तरह से अंडर कॉन्फिडेंट ऋषभ दुनिया को देखने के लिए मिल रहे हैं, जिसकी ना तो शायद किसी को उम्मीद थी और ना ही चाहत। इसलिए समझना जरूरी बन जाता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऋषभ पंत इतने दिनों से खामोश क्यों हैं? क्या ऋषभ पंत का जमाना गया? क्योंकि इन सवालों का जवाब सिर्फ हाँ या ना नहीं, इन सवालों के जवाब में इंडियन टीम की दशा छिपी हुई है। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना आज फुर्सत से ऋषभ पंत के फ्लॉप होने की वजहों को टटोलें। तो चलिए अपनी बात सबसे पहले शुरू करते हैं ऋषभ की बैटिंग अप्रोच के साथ। दोस्तों ऋषभ शुरू से ही अटैकिंग बैटिंग करते आए हैं और कई मौकों पर फ्लॉप भी रहे, मगर तब फैंस और एक्सपर्ट्स को इतनी फिक्र नहीं हुई, क्योंकि पता था जिस दिन ऋषभ चलेंगे वो बस अकेले ही काफी हैं। मगर फिलहाल ऋषभ की बैटिंग क्लूलेस नजर आ रही है। अब आउट हो जाएं या विकेट पर खड़े रहें, मगर देखने वालों को उनकी क्लियर अप्रोच नजर नहीं आ रही है। ना ही वो ऑल ओवर अटैक करने जा रहे हैं और ना ही पॉजिटिव इंटेंट दिखा रहे हैं। अब तो बस बेतुके अंदाज में बल्ला फेंकते ही दिखाई देते हैं, और ये सब जुलाई में हुई इंग्लैंड वाली सीरीज के बाद से ज्यादा बढ़ गया है, वो भी तब जब उनके करियर का सुनहरा दौर चल रहा था। ऐसे में सवाल ये आता है कि सडनली ऐसा क्या हुआ जो ऋषभ का गेम इतना बदल गया? तो इस सवाल का जवाब और हमारी एक्सप्लेनेशन का दूसरा रीजन दोनों सेम ही है, ऋषभ के साथ मैनेजमेंट का बर्ताव। दोस्तों ऋषभ पंत की इंग्लैंड में खेली गई शानदार पारियों के बाद जब इंडिया वेस्टइंडीज टूर और एशिया कप के लिए गई तो सब ऋषभ पंत की पोजीशन को लेकर श्योर थे, मगर कभी वर्कलोड के बहाने के चलते उन्हें आराम दिया गया तो कभी दिनेश कार्तिक को मौका देने के लिए ऋषभ को ड्रॉप किया गया। ऐसे में पिछले दो सालों से मिडिल ऑर्डर में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देने के बावजूद ऋषभ के मन में टीम में अपनी जगह को लेकर डाउट आया, जिसका असर वर्ल्ड कप में और उसके बाद से उनकी बैटिंग में साफ साफ देखने को मिला। वो हर बार मैक्सिमम रन बनाना चाहते हैं, जिसके चलते उन्हें लाइमलाइट और उनका गेम हाईलाइट हो, मगर ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है, बल्कि उनकी कमियां वर्ल्ड क्रिकेट को दिख रही हैं, जो आगे प्रोबेबली ऋषभ को इफेक्ट करेंगी। सिलेक्शन के अलावा टीम में जब ऋषभ को खिलाया गया तब भी उन्हें अलग तरह से ही ट्रीट किया गया, कभी उन्हें ओपनर बनाया गया तो कभी मिडिल ऑर्डर बैटर, और कभी कभी तो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की तरह उन्हें बेतुके वक्त पर भेज दिया गया, जिसका नतीजा ये है कि पिछले 13 T20 इनिंग्स में उनके नाम के आगे सिर्फ 15 की औसत से 104 रन दिख रहे हैं, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 125 के करीब है, जबकि वनडे में इंग्लैंड वाली सीरीज के बाद से कल ही पहला मैच खेले हैं। अगर इस बात को स्ट्रेट फॉरवर्ड कहें तो ऋषभ को लेकर टीम का अप्रोच बिल्कुल डायरेक्शन लेस है। कभी कभी तो ऋषभ को टीम का मेन प्लेयर कहा जाता है तो कभी उनसे आगे कुल 7 इंटरनेशनल मैच खेले प्लेयर्स को इम्पोर्टेंस दी जाती है। समझ नहीं आता कि करीब 5 साल बाद भी ऋषभ का इंडियन टीम में रोल क्या है। इन दो बातों के अलावा ऋषभ के फ्लॉप होने की वजह टीमों की स्ट्रेटेजी भी है, क्योंकि पहले ऋषभ के अतरंगी शॉट्स और ओवर अटैकिंग अप्रोच से टीमें उतनी ज्यादा इंट्रोड्यूस नहीं थी, मगर आईपीएल और लगातार इंटरनेशनल क्रिकेट के बाद सबको उनके ओवर टू अप्रोच का पता चल गया, जिसके बाद से टीमें उनका विकेट लेने की जगह टेस्ट वाली लाइन लेंथ के साथ रन बचाने के लिए देखती हैं, क्योंकि ऋषभ को बैटिंग करते वक्त करीब 10 गेंदों के बाद बाउंड्री चाहिए ही होती है उन्हें बूस्ट अप करने के लिए। इसलिए टाइट बॉलिंग के बाद ऋषभ अपने हाथों को बंधा हुआ महसूस करते हैं और तेजी से रन बनाने के चलते विकेट थ्रो करके चले जाते हैं। अब बात यह है कि ऋषभ जैसे प्लेयर को यूं ही तो वेस्ट नहीं होने दिया जा सकता, तो अब क्या किया जाए जो ऋषभ पुरानी लय में लौट आए? तो दोस्तों एज अ क्रिकेट फैन हमें सवाल का जो जवाब नजर आता है वो है मैनेजमेंट। अब वक्त आ गया है कि ऋषभ को मैचेस खिलाए जाए, और सबसे मेन बात कि उन्हें एक कंफर्ट बैटिंग पोजीशन दी जाए, क्योंकि ऋषभ बिना प्रेशर के क्या कमाल कर सकते हैं वो हम आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की कामयाबी से समझ सकते हैं, और उम्मीद करते हैं कि वो असली ऋषभ पंत दुनिया को फिर से देखने को मिले, जिसे देखने की आस हर फैन को है। तो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।